तो फाइनली हमने हल्दी लगा चुकी है और हमने भैया बाजी से भूत बनाया थोड़ा। अब यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा है ना, हवा चल रही है, फटाफट से हम शादी के लिए तैयार होता है क्योंकि अब टाइम भी हो गया है। फटाफट से बाद में इतनी लेट हो जाती है, पता ही नहीं चलता कब बराती कल की, और मेरे को फिर ना यहाँ शूट करने का टाइम भी नहीं मिलता वीडियो। तो मैं फटाफट से जाते हैं, अभी तैयार हो जाते हैं, अब मैं आपको सीधा तैयार होने के बाद मिलूंगा। बाय बाय। सो फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ शादी के लिए, बड़ी मुश्किल से मेरे फटाफट तैयार हो गया और नीचे गाने वगैरह बैंड वगैरह बजना शुरू हो गया है। अब सीधे चलते हैं, आपको बारात का नजारा दिखाते हैं और ले चलते हैं अपनी भाभी को लेने, मस्ती करेंगे दुनिया भर की। मेरे से तो यहाँ लहंगा नहीं समझ आ रहा है, यहाँ देखो ये लहंगा है, यहाँ देखो कितना कीचड़ हो रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? थोड़ा ऊपर ऊपर कर लेता हूँ मैं अपना लहंगा ताकि मेरे को वो ना हो, कीचड़ का सामना ना करना पड़े। नाचते हैं थोड़ा, नाचते हैं। तो फाइनली बहुत सारा नाचने के बाद बारी थी बारात के निकलने की और जाके अपनी भाभी जी को लेके आने की। ये है बारात जाते समय का छोटा सा व्यू जो बड़ा ही सुंदर था, बहुत ही ज्यादा। तो फाइनली अभी हम कार में बैठ चुके हैं, बस बारात निकलने वाली है अभी थोड़ी देर में। अभी थोड़ा आज थोड़ा मौसम थोड़ा ठीक हो गया, थोड़ा गर्मी हल्की हल्की गर्मी लग रही है। भैया पता नहीं किसको फोन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सब बैठ गए, हम लोग आज भी दोबारा से दूल्हे की गाड़ी में बैठे हैं, बाद में जाके पैदल हो जाएंगे। बाद में लोग हमको उतार देते हैं कि तुम उतरो, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे। तो अभी देखते हैं, आते समय जुगाड़ करना पड़ेगा अपनी गाड़ी का। अभी ये दूल्हे राजा, जरा पीछे देखिए भैया, कैसी फीलिंग आ रही है? और ये कल वाले न्यूली वेड्स आगे बैठे हुए हैं। बस हम लोग भी अभी बैठ चुके हैं गाड़ी में, अभी सब निकल जाएंगे एक साथ। अभी थोड़ा जो बैठ नहीं रखे उनको बैठा रहे हैं गाड़ियों में। और मेहंदी देखो दिन प्रतिदिन और दिन दिन डार्क हो रही है मेरी, दिन प्रतिदिन। कितना भयंकर हिंदी बोल रहा है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है क्या बोलते भाभी जी का गाँव, तो हम लोग पहुँच जाएंगे एक ही घंटे में पहुँच जाएंगे। तो दोबारा से पहाड़ियों का नजारा उठाते उठाते हम चले गए बारिश में अपनी भाभी जी को लेने। अभी यहाँ पे हमारा चाय पानी चल रहा है, थोड़ा सा ठंडा वगैरह, और बारिश के छींटे भी पड़ने लग गए। बाकी सब ये चाय पानी पी रहे, ये इसके 10 के बोर्ड के एग्जाम हो रखे हैं, और ये भी शादी में कूद गया इधर। ये मेरी ताई है यहाँ पे, ताई भी शादी में आ रखी। बाकी ये बच्चे हैं और बाकी जितने रिश्तेदार हैं सब आगे। अब बारिश लगना शुरू हो गई, जैसे हम जगह पर पहुँच सके वैसे बारिश लगना शुरू हो गई है। तो फाइनली बारात पहुंचने के बाद सबसे पहला काम था पूजा का। तो भैया जहाँ पे खड़े थे वहाँ पे हो रही थी पूजा, और घर बहुत ही सुंदर सजा था भाभी औरों का भी, और सारे के सारे गांव के लोग इकट्ठा हो रखे थे इसी जगह पे, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा लगनी शुरू हो गई थी। जैसे ही हम जगह पे पहुँचे वैसे ही बारिश होना शुरू हो चुकी थी, इस वजह से सभी लोग फटाफट से खाने भी निकल गए हम लोग, क्योंकि बारिश हो रही थी एंड कीचड़ कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए हमने टाइम से खाना खा लिया। देन फाइनली हमारी भाभी जी की एंट्री हुई, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी हमारी भाभी जी। हमारे बाद ये रे
तो फाइनली विदाई हो गई थी एंड मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था, बारिश का पूरा मौसम बन चुका था और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एंड इसी बारिश में हम फटाफट घर जाके घर पहुँचे एंड घर जाके हमने एंट्री करवाई अपनी भाभी जी की। नीरज 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 अब ऐसा कर सो दैट्स ऑल फॉर दिस शादी ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बने रहिएगा, अभी और भी शादी का बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है। दैट्स ऑल एंड टिल देन टाटा बाय बाय।